हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो आप देखिए कि आज स्टॉक में गिरावट हुई है, लगभग 7 साढ़े 7 8% के आसपास का गिरावट आज इसमें हुई है। और आप देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पिछले 3 दिनों से काफ़ी तेज़ रैली में था और बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और 1 महीने की अगर हम बात करें 55% से ज़्यादा का रिटर्न आप कमा चुके हैं इसमें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गिरावट आज हुई है, क्या वो आगे आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सकती है या नहीं, क्या यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाने का रीजन सही होगा या नहीं, और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि इस समय पर तो प्राइवेटाइजेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है इस स्टॉक को, इस कंपनी को, इस बैंक को, बट जब शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसेस होगा और उसके लिए शॉर्टलिस्ट मतलब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो कितना प्रॉफिटेबल होगा ये स्टॉक हमारा, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो क्या बाय कर सकते हैं, क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना बेहतर डिसीजन होगा या नहीं, सभी सवालों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें इस समय की, तो आप देखिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, 110 मिलियन का वॉल्यूम आ जाया है। और इससे पता लगता है कि आज डंपिंग बहुत ज़्यादा हुई है बाजार में। डंपिंग से मेरा मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई है बाजार में। बाजार में आप देखेंगे, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स ने नहीं की है, मैं बात करूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम था, 27 रुपये 27 रुपये 25 पैसे का हाई बनाया था इसने। बट 1 बजे के बाद, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बाद यहाँ पर लाख एकदम से डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ इसमें, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और ये ट्रेंड बाजार ने भी फॉलो किया है, बाजार को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बाजार ने भी ये ट्रेंड फॉलो किया है। 12 बजे के बाद बाजार में भी काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और जैसा हमने पिछले दिनों भी आपसे कहा था कि यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है कि 3 से 4% के आसपास का एक डाउन साइड देखते हैं, करेक्शन जोन बनता है हमारा, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय की बात करें तो आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज हमारा जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, वो ठीक ठाक है, 110 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। डिलीवरी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज भी क्या बाइंग हुई है और कितने लोगों ने बाय किया है फॉर लॉन्ग टर्म पर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बाइंग की है यहाँ पे तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ से फिर स्टॉक हमारे जल्दी ही रिकवर करने की उम्मीद कर सकते हैं आप। अब देखिए, आप यहाँ पर कल की बात करें तो 18 फरवरी को 100% के आसपास की डिलीवरी थी और 5.3 मिलियन शेयर्स बाय किए गए थे। उससे पहले 54 मिलियन ट्रेड हुए थे, 22 मिलियन शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए थे, 42% डिलीवरी थी। उससे पहले बात करें 16 फरवरी की, तो आप देखिए 24 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे और 13 से 14 मिलियन शेयर्स बाय किए गए थे लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। तो काफ़ी अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। अब बात करें कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हो रही है तो उसका क्या मतलब है, तो आप देखिए कि यहाँ पर और ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है। 3 दिन की रैली थी तो 3 दिन का हमने यहाँ पर देखा, आज की बात करें तो आज देखिए 110 मिलियन शेयर्स लगभग ट्रेड हुए हैं और 25% 26% के आसपास के डिलीवरी परसेंटेज आज का भी बना हुआ है। तो ये बहुत पॉजिटिव, अगर इतना डिलीवरी परसेंटेज बना रहता है तो ये एक अच्छी खबर होती है। अगर इतना डिलीवरी परसेंटेज है तो यहाँ से मुझे लगता है कि जल्दी ही हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। रिकवर करने से मतलब है कि आप देखिए कि गिरावट हुई है आज 8% की, बहुत सारे लोगों ने आज भी बाइंग की है, तो जिन लोगों ने आज बाइंग की और आप लॉस में हो, भारी लॉस हुआ होगा क्योंकि 7-8% के आसपास स्टॉक हमारा डाउन है, और वो लॉस अगर आपको हुआ था आप रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, बाजार को भी रिकवर होना पड़ेगा। आप देखिए बाजार के साथ ही स्टॉक हमारा रिकवर होगा। बाजार को देखेंगे यहाँ पर तो निफ्टी 50 ओवर 1% डाउन, आज फोर्थ डे है हमारा लगातार जब निफ्टी 50 में गिरावट हुई है। कल ऑलमोस्ट 0.9% के आसपास की गिरावट थी, उससे पहले 0.7% की गिरावट थी, उससे पहले 0.01% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक का चौथा दिन है आज, 2.5% के आसपास हमारे गिरावट में है निफ्टी बैंक, और बैंकिंग स्टॉक को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है आज। ठीक है, बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि निफ्टी बैंक में लगातार चौथा दिन है गिरावट का, और कल भी आप देखेंगे तो 0.7% के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में कल भी थी, और लगातार पिछले दिनों गिरावट का माहौल बनता रहा है इसमें, और वही एक रीज़न रहा है कि बाजार लगातार दबाव में बनाए रखा है। आज सारे इंडेक्सेस हमारे रेड जोन में है, और जैसा उम्मीद थी कि 3 से 4% का यहाँ पर डाउन स्लाइडिंग होगी और वही हुआ है। आप देखिए कि बाजार में अब लगातार एक डाउन ट्रेंड जारी रहा है। 15,100 का जो एक हमारा सपोर्ट जोन बन रहा था, उसे मॉर्निंग में ही गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहाँ से नीचे ही बना रहा है वो हमारा पूरे टाइम पे निफ्टी 50, और निफ्टी 50 में गिरावट हुई है। इसका एक जो नमूना है, एक जो असर है, वो हमें बाजार पर भी देखने को मिला है। आप देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उसी तरह की गिरावट हुई, और ये गिरावट हुई क्यों अगर इसकी बात करें तो आप देखिए कि FII जो है हमारे, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। मैंने पहले भी बात की थी, 18 फरवरी का आप डेटा देखेंगे तो 900 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर खरीदा गया है FII की तरफ से, बट DII को आप वहीं पर देखेंगे तो 1217 करोड़ का माल वहाँ पर कल बेचा गया था बाजार में। जितना ज़्यादा बिकवाली होगी बाजार में उतना ज़्यादा बाजार गिरेगा। और आज भी अगर आप डिलीवरी परसेंटेज को देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, और जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 110 मिलियन का हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और यहाँ पर हाई वॉल्यूम से मतलब है कि यहाँ पर गिरावट का माहौल इसीलिए बना है क्योंकि डंपिंग बहुत ज़्यादा हुई है। जो बड़े निवेशक हैं वहाँ पर आज बाजार में माल डंप किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। सुबह के समय आप देखेंगे तो चार्ट हमारा एक अपर साइड में दिखाई दे रहा था, बट लगातार एकदम से गिरावट हुई
अचानक से बाजार में सप्लाई साइड बहुत तेजी से बढ़ गया और वो जब तक ऑब्जर्व नहीं होता तब तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा ही मिलेगा हमें, ठीक है। अब चार्ट की बात करें कि चार्ट हमारा क्या कुछ कहता है, तो आप देखिए कि चार्ट में भी एक वीकनेस इस समय पर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पर बोलिंजर बैंड बहुत स्ट्रांग है हमारा, और यहाँ पर आप देखिए तो बोलिंजर बैंड से ऊपर की हमारी एक कैंडल बनी थी पिछले दिनों, हैमर कैंडल कह सकते हैं आप इसे, शेडो कैंडल, और ये कैंडल के बाद अगर बोलिंजर बैंड से आउट ऑफ बोलिंजर बैंड कैंडल बनती है हमारे तो वहां पर एक डाउन साइजिंग होती है। और ये रेड कैंडल आने का मतलब वही है हमारा कि जो बोलिंजर बैंड से अगर आउट ऑफ बोलिंजर बैंड ग्रोथ दिखाई देगी तो वहां पर एक करेक्शन का जोन बनेगा ही बनेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको। और आप देखिए आरएसआई भी हमारा ओवरबॉट जोन में जा चुका था, 74 प्लस है हमारा आरएसआई, और ये दूसरा रीजन है हमारा जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई है। आरएसआई ओवरबॉट जोन में है हमारा, बोलिंजर बैंड से आउट ऑफ बैंड एक ग्रोथ दिखाई दी थी और ये इस समय पर अंदर आ गया है, कंट्रोल्ड एक ग्रोथ दिखाई दी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा रिकवरी के चांसेस हैं इस स्टॉक में। अगर आपने बाइंग कर रखी हो तो होल्ड करके रखते हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको निराश नहीं करेगा, बशर्ते आपको थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ सकता है क्योंकि बाजार में एक पैनिक मोड क्रिएट हो जाता है जब भी इस तरह का बिकवाली देखने को मिलती है, और जो लोग 40% 30% के आसपास के प्रॉफिट में है इस स्टॉक में वो लोग बिकवाली करने के उसमें आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब उन्हें क्या लगेगा कि वो लोग ऐसे सोचेंगे कि अब यहाँ पर बिकवाली होगी और हमारा प्रॉफिट जो हमने किया है वो इरोड ना हो जाए, इसी वजह से वहाँ पर भी बिकवाली का एक माहौल देखने को मिलेगा, पैनिक मोड ऑन हो गया है बाजार में, और उसका एक नमूना हमें आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। बशर्ते अगर आप होल्ड करते हो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक तो आप आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक में बना पाओगे, क्योंकि जिस तरह से एक प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन आया है उसके बाद प्राइवेटाइज जब होगा हमारा बैंक तब आप सोचिए कि कितना अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम सेट होगा बाजार में। सपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा वो 21.60 रुपये के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा बनता है। दूसरे सपोर्ट की बात करें तो हमारा एक जो रेजिस्टेंस जोन होगा हमारा, जो पहला रेजिस्टेंस जोन मुझे लगता है कि जो हमारा ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 25 रुपये का हमारा रेजिस्टेंस जोन, जो आने वाले वीक में अगर ब्रेक होता है हमारा तो वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम दोबारा से सेट होगा इसमें, और ये स्टॉक हमारा कहीं नहीं 30 तक तो क्रॉस करके ही रहेगा आसानी से। जिन लोगों ने भी इसमें बाइंग की थी वो थोड़े से प्रॉफिट के लिए बाइंग नहीं की है, वो बड़े प्रॉफिट के लिए बाइंग किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे FII हो, तो आप होल्ड करो रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर। अगर आप होल्ड करोगे इस स्टॉक में तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना पाओगे, पर थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ सकता है। जब ये स्टॉक 15 रुपए का था तब भी हमने वीडियो की थी इस पर और 19 रुपीज का टारगेट दिया था, और उसके बाद 21 रुपीज का टारगेट हमने रखा था, और आप देखिए कि बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही वो टारगेट आपका अचीव होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। बट आपको यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि होल्ड करने की स्ट्रेटजी रखोगे तो आप आने वाले टाइम में 30 का भी इसमें लेवल आता हुआ दिखाई देगा और अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें भी बना पाओगे, बट यू हैव टू होल्ड। अच्छा एक चीज़ और है कि लास्ट कॉल आपका होना चाहिए कि बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर कन्विक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक पर। जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, जैसे डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है इसका और डिसीजन आया है उसके बाद प्राइवेटाइज होगा तो कितना अच्छा खासा मोमेंटम सेट होगा इस स्टॉक में, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और उसके बाद आप होल्ड करना है या सेल करना है या बाय करना है अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्म कीजिए। आपकी क्या राय है इस स्टॉक को लेकर, आप होल्ड कर रहे हो, बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू फॉर